बजाते रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है 5 अप्रैल और काफ़ी टाइम बाद मैं जा रही हूँ एक शूट पे। सडनली एक शूट आया और अभी आया है, जस्ट हो गए होंगे 2 घंटे पहले। तो पहले तो मन नहीं था जाने का, लेकिन कहा गया है कि बस 15 मिनट का शूट है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वहीं जा रहे हैं। और घर के पास ही है तो हम लोगों ने हायर किया ये ऑटो। ऑटो से हम लोग जा रहे हैं, पास नहीं है, सेक्टर 18 में जाते देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या हम लोग 15 मिनट में फ्री हो पाते हैं या नहीं, और किस चीज़ का टिकट पंजाबी कुछ इसका कोई रेडियो फोटो। हाँ, तो ये कोई पंजाबी, मेरे ख्याल से ये बैसाखी आने वाली है ना। हाँ, तो बैसाखी का फोटो शूट है, वीडियो शूट है। तो देखते हैं कब तक फ्री हो पाते हैं, जैसे कि बोला गया है, तो देखते हैं कि कब तक फ्री होते हैं। और पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे का जो भी है वहाँ पर, कैसे क्या और किस टाइप का शूट है। तो ब्लॉग में बने रहना, मिस मत करना। दोस्तों, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना था, तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अभी भी 20 मिनट का यहाँ से रास्ता दिखा रहा है और इन लोगों ने एट ए टाइम बताया, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। लो जी, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, शूट लोकेशन पे। सीमा मेरे साथ हैं, तो अभी हम लोग लिफ्ट में हैं और हम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं तैयार होने के लिए। 10 मिनट के अंदर जैसे तैसे रेडी हो करके हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये नीचे स्टूडियो है, तो अभी हम लोग अपना वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, बता रही थी कि देखो 10 मिनट में हम लोग कैसे रेडी हुए हैं, बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। तो फटाफट से पहले ड्रेस पहना, उसके बाद हल्का फुल्का मेकअप किया, मेकअप भी ना के बराबर है। तो ये है रेड FM 93.5। कभी रेडियो के टाइम पर हम लोग सुनते थे, रेडियो मतलब कार में आते जाते जब हम रेडियो बजाते थे तब सुनते थे, तो तब मुझे याद आ गया। तो पीछे बैकग्राउंड में वही सब चल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ कॉपीराइट की वजह से। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेरे साथ हैं देवू और ये एक पाजी थे हमारे साथ, इनका नाम था कुलवंत पाजी। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि आपका टर्न आने वाला, तो आप लोग रेडी रहो। बाकी ये सारे इनकी अचीवमेंट्स यहाँ पर सब लगे हुए थे, साथ ही कोई इनका कोई गेस्ट, मेन गेस्ट कोई आ रहा था, ये इनकी ये चल रहा था, मतलब स्क्रीन पर ये लगा हुआ था। इनका नाम था तपन सिंगल, ये MD और CEO हैं बजाज अलायंस। इसके बाद हम चले गए थे स्टूडियो के अंदर और 5 मिनट में हम लोगों का शूट ख़त्म भी हो गया और आ गए हम लोग फिर कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया नहीं था, ये कैबिन था जिसमें हम लोगों को टी, स्नैक्स, कॉफ़ी ये सर्व करा था इन लोगों ने। तो फाइनली आप कह सकते हैं हम लोगों का पैकअप हो गया था और वाकई में ये शूट था 15 मिनट का नहीं था, सिर्फ 5 मिनट का था। ज़िंदगी का पहला ऐसा शूट था ये जो कि इतने कम टाइम में ख़त्म भी हो गया, तो मज़ा आ गया। तो हम लोग खूब यहाँ पर इन्जॉय कर रहे थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि यार वाकई में ऐसा होना चाहिए कि आए गए अपना काम किया और वेट नहीं करना पड़ा। वरना क्या होता है ना कि अक्सर यही होता है कि चाहे शो हो या शूट हो, ये लोग, हम लोगों का काम इतना नहीं होता, लेकिन आना जाना और ये जो वेटिंग टाइम होता है ना, इसमें हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो आज तो मज़ा ही आ गया। मेकअप एंड ड्रेसअप रिमूव करने के बाद मैंने कर लिया है पैकअप और मैं आ गई हूँ अपने कैजुअल में। तो ये पीछे मैं ऑफिस दिखा रही हूँ, ये रेड FM वालों का ऑफिस है जो कि ऊपर 1st फ्लोर पे है और बाकी के लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों, हम लोगों का पैकअप हो चुका है और प्यारा ऑफिस बजाते रहो। रेड FM यार, ऑफिस इतना मस्त बनाया हुआ है ना, माय गॉड, बहुत ही प्यारा ऑफिस बनाया है कि यहाँ पर दिल लगा रहे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बाहर आए तो देखो बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ से जाएंगे हम अगेन कैब करके। तो देवयानी जी, आप कैसे जाएंगी? मैं जाऊँगी ऊपर बाइक से, मैं बहुत अच्छी आ रही हूँ।
तो दोस्तों ये था आज के प्रोग्राम का ब्लॉग, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस के शो का ब्लॉग। उसे भी मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है, आपको मज़ा आएगा। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।